डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से किया आउट, मेजबान इंग्लैंड ने मिनी आशीष को जीत के वर्ल्ड कप की फाइनल की टिकट डाल दिया है अपनी झोली पे। अब सामने में रहेगा न्यूजीलैंड, लेकिन इस सेमीफाइनल मैच का करते हैं समीकरण। क्रिकेट वाणी पे ये एक बड़ा मुकाबला, एक कांटे का मुकाबला, क्योंकि हम जब इंडिया पाकिस्तान की मैच देखते हैं वहां पे जोश होती है, लड़ाई होती है, और जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सामने पे हो तो वही जोश देखने के लिए मिलता है, वो जज्बा देखने के लिए मिलता है, प्लेयर के अंदर तू तू मैं मैदान के अंदर लड़ाई देखने के लिए मिलता है। लेकिन दबाव थी इस इंग्लैंड टीम के ऊपर, क्योंकि जब भी अपने घर पे खेलते हैं तो अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको साबित करके दिखाया ये टीम में। जब भी आप अंतिम दो लीग मैच को देखें जहां पे इंडिया को हराए, न्यूजीलैंड को हराए, डू और डाई मुकाबला था, नॉकआउट स्टेज था, वहां पे जब भी हार मिलती तो टाटा बाय बाय, लेकिन वहां पे पॉजिटिव इंडियन के साथ खेले और वहां पे जीत के साथ सेमीफाइनल पे प्रवेश किए। लेकिन सामने पे था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इस वजह से दबाव ज्यादा डाला था इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि जो लीग स्टेज की मुकाबला था ना वहां पे इंग्लैंड को सिकंजा दी थी, एक बड़ी हार पकड़ाया था इंग्लैंड को, लेकिन इंग्लैंड ने हिसाब किताब पूरी तरीके से बराबरी किया सेमीफाइनल मैच में। नेस्ता नाबूद धराशायी कर दिया, धूल चढ़ा दी कंगारुओं को, और ये टीम में एक कमाल की टीम है। 92 के बाद फिर मौका मिला है वो वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, वो उसका ताज अपनी सर पे लगाने के लिए। क्या होएगा वो तो फाइनल पे तब पता चलेगा न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली अपनी जो फैन है ना, उनका जो आशाएं हैं उनको छूटने नहीं दिया है, और इंग्लैंड टीम कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले, दोनों हाथ से थम्स अप। प्लेयर के ऊपर भी दबाव था, सोशल मीडिया का भी दबाव था, लेकिन उसके बावजूद जो प्लेयर का जो सोच, जिस अंदाज, जिस बेखाफ अंदाज से खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन जब भी टॉस हुआ, ये ब्रिमिंगम की शहर इस्वेस्टन के मैदान पे खेला जा रहा था, टॉस होने के बाद टॉस गिरा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष पे, और वहां पे इंग्लैंड के फैन का जितने भी दिल का धड़कन है ना वो तेज होने लगा, क्योंकि ये टीम का ताकत क्या था, ताकत था कि पहले बल्लेबाजी करेंगे, 300 के ऊपर जड़ेंगे, वो उनका मजबूती एक ताकत होती है। लेकिन इस बार जब भी टॉस हार गए तो फिर 50-50 का मामला था, लेकिन उसको भी गलत साबित किया इंग्लैंड ने, चेस करते हुए इस मैच को जीता। लेकिन जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आए आरन फिंच कप्तान और डेविड वार्नर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की नजरिए से देखें तो फिर ऐसा लग रहा था कि ये एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, इंग्लैंड को हरा देंगे, फाइनल पे प्रवेश कर लेंगे और एक बार विश्व विजेता बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा ये वादा किया था इंग्लैंड ने। जोफ्रा आर्चर, ये इन्होंने कमाल की ये गेंदबाजी, चलता कि इन्होंने आरन फिंच को और जोफ्रा आर्चर को जब ये टीम ने लिया तो फिर उस टाइम से आप देखें तो कुछ अलग दिशा पर ये टीम को लेके गए, गेंदबाजी को कुछ अलग दिशा पर लेके गए। तो फिर जोफ्रा आर्चर एक पॉजिटिव पॉइंट है इस वर्ल्ड कप इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। जब भी आरन फिंच आउट हुए, जब भी कप्तान आउट हुए, तो फिर नीचे की तरफ चलता गया, जो हम इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में देखे, न्यूजीलैंड जो ड्रीम स्टार्ट मिला था, जो शुरुआत मिला था वो जब भी मिल गया, तो फिर क्रिस वोक्स आए, तो फिर डेविड वार्नर को चलता किए, पीटर हैंडसन को चलता किए, तो फिर 3 विकेट फटाफट गवा दिया 10 ओवर के अंदर। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, इन्होंने बताया कि इनको क्यों एक बेहतरीन प्लेयर बोला जाता है, वहां पे डटे रहे, खेलते रहे, 85 रन बनाए, लेकिन ये प्लेयर ऐसा नहीं लगता है कि बहुत समय से दूर था इंटरनेशनल क्रिकेट से, मेरे को लगा कि यही कहीं था, ये क्रिकेट को देख रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उसी हिसाब से अपनी सेमीफाइनल के दबाव को झेला, एक बड़े प्लेयर होने के नाते एक बड़े स्टेज पे कमाल की पारी खेले, शायद टीम नहीं जीता लेकिन स्टीवन स्मिथ को याद रखेंगे, क्योंकि मुश्किल नहीं था, परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं था बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन उसके बाद देखें तो फिर एलेक्स कैरी, एक चोट लगी, ब्लड भी निकली, लेकिन उसके बाद जवाब, जज्बा दिखाए, वो जुनून दिखा और वो क्रिकेटिंग स्पिरिट देखा, वहां पे लड़े, 44 रन बनाए। लेकिन जो उम्मीद था मैक्सवेल और स्टोनिस से, वो उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे ये दोनों मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, जो विस्फोटक अंदाज पे करते हैं बल्लेबाजी, वो समस्या जो था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अंदर के मिडिल ऑर्डर को लेकर अभी भी वो गेमा गेमी है। यहाँ पे इंडिया को सिर्फ सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को भी करने की आवश्यकता। लेकिन उसके बाद टीम पहुंच गया 223 पर, 223 कहाँ रुकने वाला था, आप देखें इंग्लैंड की जो गहराई है, इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है, 223 रन
रन बहुत कम होती है, लेकिन सेमीफाइनल दबाव था। हम पिछले जो दिन पे इंडिया का जो एक कम स्कोर वाली स्कोर देखे थे, तो जहन पे था वो चीज की कम स्कोर पे लड़ाई हो सकती है, कम स्कोर ज्यादा दिक्कत देती है, लेकिन वहां पे उतरे जेसन रॉय, व्हाट अ बॉय, क्रिकेट वाणी हाईलाइट प्लेयर ऑफ द मैच जेसन रॉय। ये प्लेयर एक विस्फोटक अंदाज से खेलता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, और शुरुआती समय पे जिस हिसाब से पांव निकाल के कवर के ऊपर से खेल रहे थे, कवर ड्राइव लगा रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे थे, वो देखने योग्य शॉट था। और जब इस सेट हुए तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज को ना सेट कर दिए, और कदमों का इस्तेमाल किए, स्टैंड एंड डिलीवर और सीधे बल्ले से खेले। ये कमाल की प्लेयर है, ये जब से आए हैं ये मजबूती दिए और ये कुछ अलग दिशा पर लेके जा रहे हैं इंग्लैंड टीम को, जीत के जो कदार पर इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये प्लेयर के वजह से ये जो पारी है ना, इसको बहुत आसान बना दिया उनके साथ जनी बैरिस्टो जितने टाइम खेले अच्छा खेले, रन बनाए 32 रन बनाए, लेकिन जो रिव्यू लिए वो गलत था, क्योंकि जो जेसन रॉय थे ना उनका शतक हो जाता जब ये वो अंपायर गलत डिसीजन नहीं देते। अंपायर साधारण रहा था इस मैच पे कुमार धर्मसेना का, क्योंकि इतना बाहर था गेंद, लेकिन उसके बावजूद आउट दे दिए। वो अपील भी करना चाहिए था जेसन रॉय को, लेकिन रिव्यू तो बचा नहीं था। तो बैरिस्टो साहब, आप जब भी रिव्यू लेना थोड़ी सी देख कर ले, थोड़ी सी अपने पार्टनर को पूछ ले तो फिर बेहतर होएगा। लेकिन दो विकेट गवा दिया, उसके बावजूद भी कोई टेंशन नहीं था इस टीम के अंदर। उसके बाद जूक आए तो जो रूट कूट कूट कर काटे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को, उन्होंने 49 रन की एक बेहतरीन पारी खेले सेमीफाइनल मैच पे। उसके बाद कप्तान इयान मॉर्गन, क्विकन मॉर्गन, कुछ क्विक शॉट लगा के इन्होंने जीत दिलाए, 226 रन बना दी इस मैच को, 8 विकेट से जीत ली इंग्लैंड ने। और जो ये इंग्लैंड टीम इन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर ली है, और जो बेखाब क्रिकेट, जो अंदाज, जो नियारा ढंग से ये टीम में बन रही है और बन के उभर कर आई है, इसके लिए तो इनको बहुत सारी मुबारकबाद है, क्योंकि आसान नहीं होता है आप एक नया टीम बनाए, उसके सामने आके आप वर्ल्ड कप खेले, बहुत 2-3 साल से आप लड़ाई करे बायलैटरल सीरीज पे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने घर पे खेले, अपने आप को साबित किए, तो फिर वेल डन, ऑल द बेस्ट टीम इंग्लैंड। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसे ही क्रिकेट वाणी को आगे लेके जाए। बहुत जल्दी मिलेंगे फाइनल की प्रीव्यू लेके, तो फिर प्यार करना मत भूलना, इंडिया टीम को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि इंडिया टीम का जो मोरल है ना वो थोड़ा सा डाउन है हार के बाद, तो प्लीज सपोर्ट टीम इंडिया और प्लेयर का हौसला बढ़ाइए। सोशल मीडिया पे थोड़ा इधर उधर कोई बात ना करे कोई खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि बुरा लगता है जब हार गए तो हार गए, हार के बाद जीत आता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो फिर सपोर्ट करें कोई प्लेयर का मजा।